शिवपुरी शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में नक्षत्र गार्डन के पास नामो नगर कॉलोनी में बने माडवे इंडस्ट्रीज कारखाने में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई, जिसके चलते तत्काल मौके पर पुलिस प्रशासन और एसडीएम आ गए। जैसे ही आग लगने की सूचना मिली तो तत्काल फायर ब्रिगेड आई, जिसकी सहायता से आग पर काबू पा लिया। हम आपको बता दें कि हेमंत अग्रवाल की यह फैक्ट्री बताई जा रही है, जिसमें उन्होंने शॉर्ट सर्किट होकर आग लगने का कारण बताया और जो भी नुकसान हुआ है उसका अनुमान अभी लगाया जाना संभव नहीं है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। अंकल क्या नाम है आपका? हेमंत अग्रवाल। अच्छा, ये जो इंडस्ट्री है क्या, किसकी है ये? ये मेरी है, हेमंत अग्रवाल। इसमें जो आग लगी किस वजह से लगी है? आग शॉर्ट सर्किट लाइट की। शॉर्ट सर्किट। और इसमें कितना क्या नुकसान हुआ है? नुकसान तो अभी जोड़ के बताएंगे, अभी तो पता नहीं। अभी कोई पता नहीं आपका कितना मामला लगा होगा इसमें? माल का कोई आइडिया नहीं है मुझे, 5-7 लाख 10 लाख रुपए कोई आइडिया नहीं। क्या मतलब क्या बनाती है ये? अपना बनाती कुछ नहीं है भैया, सिर्फ गोदाम था मेरा। अच्छा, गोदाम। इसकी परमिशन भी आपके पास होगी कि आप ये रिहायशी इलाके में ये चीज़ आप इंडस्ट्री जो कर रहे हैं इसकी परमिशन वगैरह कुछ है? परमिशन है ना, कॉमर्शियल कनेक्शन लिए थे अपन ने। अच्छा अच्छा, परमिशन है अपने पास, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब है। जो आग लगी सर, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में आप? ये एक डीपी बनाने का कोई कारखाना था और इसमें डीपी सुधारी भी जाती थी, तो अचानक यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में आग के लपटे उड़ती हुई दिखी। उसके बाद हम लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड वगैरह बुलाकर उसको बुझवाने का प्रयास किया गया। नगर पालिका प्रशासन ने और पुलिस ने सबने आपसी समन्वय से उस पर अभी आग पर काबू पा लिया है और मुझे लगता है कि थोड़ी देर में भी पूरी तरह से आग को काबू पा लिया जाएगा। सर क्या कुछ कारण हो सकता है ये आग लगने का? अब वो तो जाँच के बाद ही पता चलेगा, चूँकि अंदर तो अभी आग की लपटें थी अभी, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से हमने किसी को अंदर जाने के लिए मना कर दिया था। लेकिन मुझे जैसे प्राथमिक जानकारी मिली वही है कि यहाँ पर डीपी बनाने का काम चल रहा था और वहाँ पे डीजल वगैरह या जो भी ज्वलनशील पदार्थ था उसमें अचानक आग लग गई या शॉर्ट सर्किट हो गया, उसके कारण से आग लग गई। अब वास्तविक स्थिति क्या है तो बाद में पता चलेगा। सर ये आसपास ये जो कुछ इलाके भी हैं तो क्या इससे कोई किसी को कुछ हानि? नहीं, चूँकि बगल का मकान भी उन्हीं का था जिनकी फैक्ट्री थी और कोई ऐसी कोई भी हानि नहीं हो पाई है। लेकिन ये बात सही है कि रिहायशी क्षेत्र में ऐसी चीज़ें गतिविधियां नहीं चलनी चाहिए, इसके संबंध में जांच करके नोटिस दी जाएगी और ये देखा जाएगा किसकी परमिशन से इन्होंने आपको। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।